अब बारी आती है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. ठीक है, अभी तक नॉर्मल नंबर्स के हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करे थे, अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डेसिमल नंबर्स के बाय डिवीजन मेथड. तो हमारे पास यहाँ पे है 2.56, सेम एज इट इज ही हम पेयरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. ठीक है, तो 5, 6 का पेयर. ठीक है, 2 अकेला बच गया, इसको अकेले के ऊपर हम बार लगाएंगे. ठीक है, तो 2 किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 ज़्यादा हो जाता है, 4 इज ग्रेटर देन 2, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, 1 वन ज़ा 1, ये बचा 1, 56 को हम एज इट इज़ उतार लेंगे. ठीक है, बट इसके जो बीच का पॉइंट है उसको हम क्वोशेंट में ज़रूर लगाएंगे. ठीक है, अब ये आ गया 156, 1 और 1 2. ठीक है, तो 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें क्वोशेंट में भी और यहाँ पे भी. ठीक है, जिससे हमारे को 156 मिल जाए. तो ये 6 मैंने यहाँ पे लिया. ठीक है, और 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आया 156, इसको मैंने माइनस कर दिया, रिमाइंडर बचा 0. ठीक है, तो इट मीन्स 1.6 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56. इसी तरीके से जो बाकी डेसिमल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स मैंने फाइंड आउट करे हैं सेम एज इट इज़ जो मैंने पिछले नॉर्मल नंबर्स में लगाया था फॉर्मूला. ठीक है, तो इस तरीके से हम किन्हीं भी नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके हमने 3 तरीके पढ़े हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड.